पांच रन की पेनल्टी लगवाई। रविचंद्रन अश्विन ने दूसरे दिन टीम की लुटिया डुबाई। जी हां, भारत और इंग्लैंड के बीच इस समय टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला जा रहा है। बता दें कि मैच में आज खेल के दूसरे दिन रविचंद्रन अश्विन की वजह से भारत को पांच रनों की पेनल्टी लगी है। बस फिर क्या था, इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा का पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया। दरअसल हुआ ये कि भारतीय पारी का 102वां ओवर चल रहा था। गेंदबाजी कर रहे थे रेहान अहमद। रेहान अहमद द्वारा इस ओवर में फेंकी गई चौथी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन ने कवर की ओर से शॉट खेला और रन लेने के लिए दौड़े। इस दौरान मैदानी अंपायर विल्स ने रविचंद्रन अश्विन को पिच के बीच न दौड़ने के लिए चेतावनी दी। इसके बाद अंपायर और अश्विन में कुछ बातचीत हुई और अंपायर ने भारत पर पांच रनों की पेनल्टी लगा दी। दरअसल ये भारत को खेल के दूसरे दिन दी हुई दूसरी चेतावनी थी। इससे पहले अंपायर रविंद्र जडेजा को भी विकेट के बीचों में ना दौड़ने के लिए चेतावनी दे चुके थे। इसका मतलब क्या है, आपने समझा? इसका मतलब ये है कि अब जब इंग्लैंड अपनी पारी की शुरुआत करेगी यानी बैटिंग के लिए आएगी, तो उसके पास बिना पारी की शुरुआत किए हुए खाते में पांच रन होंगे। अपनी बल्लेबाजी की शुरुआत वो पांच रनों से करेगी, ना कि शून्य से। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि यार ये कैसा नियम है, तो हम आपको विकेट के बीच में दौड़ने को लेकर आईसीसी के नियम के बारे में भी बता देते हैं, जिससे आपको सारी बातें आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो आईसीसी के नियम के अनुसार मैदानी अंपायर के पास ये अधिकार है कि वो खिलाड़ी पर इस तरह की हरकत के लिए पहली बार उसे चेतावनी देगा, लेकिन दूसरी बार ऐसा होगा तो वो संबंधित टीम पर पेनल्टी के रूप में पांच रनों का जुर्माना भी लगा सकता है। बस यही हुआ आज भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन। अब ये पांच रन भारी पड़ेंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए देखते रहें क्रिक इन्फॉर्मर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।